हेलो गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। विजिबल है सबको, दिख रहा है? यस सर। ओके, देखो आई थिंक ये तुम्हारा लैब 3 या फिर जो भी है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लैब है। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग लैब, ये थ्योरी तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट टॉपिक हम लोग लगभग लगभग 80% इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो लैब है, मतलब इसमें हमको जो भी प्रैक्टिकल करना है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, वो हमको जनरली हाईवे मटेरियल का करना है। तो जो भी मटेरियल हमारे हाईवे में यूज होते हैं, हाईवे डैट मीन्स कि अब पता है सबको कि हाईवे मेरा या तो एक्सप्रेस वे हो सकता है या फिर मेरा NH हो सकता है, और अगर हम लोग ये दोनों तो मेरा प्राइमरी रोड हो गया। फिर अगर सेकेंडरी रोड का बात करेंगे तो मेरा स्टेट हाईवे हो गया, मेरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया। फिर उसके नीचे अगर टर्सियरी या फिर रूरल रोड का बात करेंगे तो वो हमारा हो गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर विलेज रोड। फिर ये सारा का सारा हमारा बाइफरकेशन था। अब अगर हम लोग अर्बन रोड का बात करते थे तो हमारे पास आर्टेरियल था, सब आर्टेरियल था, लोकल स्ट्रीट था, कलेक्टर स्ट्रीट था, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे रोड हमारे पास थे। अब बेसिकली हमारा काम ये है कि जो भी रोड बनाने में हमारे मटेरियल यूज होते हैं, उन सारे के सारे मटेरियल का हमको टेस्टिंग करना है, जो कि आज तक अभी तक तुम लोग सारे के सारे मटेरियल को देखते आए। जनरली रोड में हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं, तुम ही में से बताओ कि हम लोग कौन कौन सा मटेरियल रोड बनाने में यूज करते हैं। सब लोग एक साथ अनम्यूट मत करना, जिसको आ रहा है अच्छे से वो अनम्यूट करो और बताओ हमको। सब देखे हो? ओके, कोई बोले, धारणी बोली कि सर बिटुमिन, बिटुमिन का मतलब हिंदी में होता है अलकतरा। तो धारणी बोली कि सर बिटुमिन को हम देखें तो बिटुमिन का हम लोग शायद टेस्टिंग करेंगे। और कोई बताओ? ठीक है धारणी, तुम अनम्यूट कर लो। अमृत तुम बताओ। सर कंक्रीट भी यूज करते हैं सर। ओके, कोई बोल रहे हो कि सर हम एग्रीगेट मटेरियल सर। ओके ओके, कोई बोले कि सर एग्रीगेट मटेरियल यूज करते हैं। इसी में से कोई बोल रहे हो कि सर हम लोग कंक्रीट का भी यूज करते हैं, मतलब जनरली हम लोग अभी भी जो रोड बन रहा है गांव में वो PCC का बना रहे हैं, डेट मीन्स हम लोग कंक्रीट को भी यूज करते हैं। तो PCC ही नहीं, हम लोग RCC का भी रोड बनाते हैं। तो हम पेमेंट डिजाइन में देखेंगे कि हम जनरली जो रोड बनाते हैं वो दो टाइप का रोड बनाते हैं, एक फ्लैक्सिबल पेमेंट और एक हमारा रिजिड पेमेंट। तो फ्लैक्सिबल पेमेंट जो होता है, देखो सब, जो हमारा फ्लैक्सिबल पेमेंट होता है तो सबसे नीचे जो हमारा ये मान के चलो FP इज एब्रीविएशन फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है ये बेसिकली 4 लेयर में होता है, और इसी लेयर के बेसिस पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को हम यूज करेंगे। अब जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को हम यूज करेंगे, तो ये सारे के सारे मटेरियल का ड्यूरिंग रोड कंस्ट्रक्शन हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब रोड पे तो पॉसिबल नहीं है टेस्ट कर लेना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट लैब में जाके सारे के सारे मटेरियल को ले जाते हैं और टेस्टिंग करते हैं। रोड पे जो जो चीज का पॉसिबिलिटी होता है टेस्टिंग का, उसका हम लोग टेस्टिंग कर देते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं, जब हम लोग रिजिड पेमेंट बनाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट या फिर रिजिड पेमेंट बनता है। तो जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट लेयर में हमारा सारा का सारा पेमेंट बना, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज किए जाते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होता है, वही हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब में हमारा टेस्ट के रूप में हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ओके गुड। अब देखो, ये जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है,
इसका सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल। मिट्टी तो होगा ही, रोड बनता है तो सबसे पहले मिट्टी, जो कि हम हाईवे में बताते थे कि एक एम्बेडमेंट बनाते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा सॉइल का ही रहता है, सॉइल सबग्रेड। तो इसको मिट्टी ना बोल के इसको बोल देता है सॉइल सबग्रेड, मतलब हमारा सबसे नीचे वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग सॉइल सबग्रेड का लेयर बोलते हैं। उसके ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सब बेस, सब बेस। उसके ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस कोर्स, बेस कोर्स। और उसके ऊपर वाला जो लेयर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स। तो देखो हमारा था फ्लेक्सिबल पेमेंट, चार लेयर से बना। फर्स्ट लेयर सॉइल सबग्रेड, उसके ऊपर सब बेस, उसके ऊपर बेस कोर्स, उसके ऊपर सरफेस कोर्स, चार लेयर। अब नीचे जो सबसे नीचे सॉइल सबग्रेड है, इसका मतलब जब भी हम एम्बैंकमेंट बनाएंगे या फिर जब भी हम अपना हाईवे बनाएंगे तो हमको सबसे पहले जहां से भी मेरा हाईवे बनेगा, जैसे कि मान के चलो अभी हमको रांची टू चाईबासा हमको रोड बनाना है या फिर टाटा टू रांची रोड बनाना है, तो वहां का जो भी सॉइल का बिहेवियर है या फिर जो भी सॉइल है उसका सबसे पहले हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारे जियो टेक्निकल का पार्ट है कि हम अपना सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होगा, जो कि तुम लोग पढ़े भी होगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑन सॉइल, तो वो सब करते हैं। लेकिन हमारे काम का जो ट्रांसपोर्टेशन में चीज है कि हमको क्या चाहिए, हमको लिक्विड लिमिट नहीं चाहिए, हमको प्लास्टिक लिमिट नहीं चाहिए, हमको परमिबिलिटी सॉइल का नहीं चाहिए, वो सारा का तो जियो टेक्निकल का पार्ट है। जो हमको मेन टेस्टिंग सॉइल से करना है वो हमको CBR टेस्ट करना होता है, उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। ये एक कैलिफोर्निया जगह है जो कि सबको पता ही होगा, वहीं पे ये टेस्ट अडॉप्ट किया गया था सबसे पहले, इसीलिए उसी जगह के नाम पे इस टेस्ट को बोल दिया कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। तो सॉइल सबग्रेड में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो हम लैब परफॉर्म करते हैं उस लैब को बोलते हैं CBR टेस्ट ऑन सॉइल। सॉइल पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, जियो टेक्निकल पेपर ही हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में जो मेरे काम का है उसको हम लोग यूज करेंगे CBR टेस्ट ऑफ सॉइल के रूप में। तो सबसे पहला टेस्ट ध्यान देते चलो, लेयर के बेसिस पे हम बताते जा रहे हैं, इसके लिए सबको माइंड में फिट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला सॉइल सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड में CBR हम पूछेंगे सबसे, तो इसलिए सब लोग ध्यान से सुनते चलो। सॉइल है मेरा सबसे नीचे सॉइल सबग्रेड, इसके लिए टेस्ट बहुत सारा है, लेकिन जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं या फिर यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग CBR टेस्ट, CBR टेस्ट। इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। अब कैसे क्या करते हैं, जब मेरा टेस्ट आएगा और इसको परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है कि सर ये टेस्ट क्या है, अभी बस नाम जानते चलो, आज तो फर्स्ट डे ही है, नाम जानते चलो कि टेस्ट कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बाकी जब ये टेस्ट आएगा ऑटोमेटिकली सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि CBR टेस्ट किसके लिए है, सॉइल के लिए, क्योंकि अच्छे अच्छे एग्जाम में जैसे गेट और ESC में क्वेश्चन पूछ देता है, इधर तुमको मैच द फॉलोइंग करके टाइप वन इधर देगा, टाइप टू इधर तुमको दे देगा, इधर दे देगा CBR टेस्ट, इधर दे देगा सॉइल सबग्रेड, इधर दे देगा सब बेस, इधर दे देगा बेस कोर्स, इधर दे देगा सरफेस कोर्स। तो टिक आउट करना है सॉइल सबग्रेड के लिए CBR टेस्ट कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। काम खत्म सॉइल सबग्रेड का। अब इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर हमारे पास एक सब बेस है और एक बेस कोर्स भी है, मतलब तो दोनों जगह हमको बेस बेस दिख रहा है। यहाँ भी देखो सब हमको बेस दिख रहा है और यहाँ भी हमको बेस दिख रहा है। जो हमारा सब बेस है और बेस कोर्स है ये दोनों का दोनों हमारा मिक्सर है एग्रीगेट का, मतलब एग्रीगेट डिफरेंट डिफरेंट साइज के एग्रीगेट को अपने रोड का स्ट्रक्चर में लगाते हैं। तो बेसिकली हमारा एग्रीगेट का ही टाइप है, बस ये है कि कोई हमारा थोड़ा सा कोर्स है और कोई हमारा थोड़ा सा फाइन है, मतलब दोनों में साइज का डिफरेंस है, बाकी एग्रीगेट ही दोनों का नाम है। तो हम लोग आगे जब आएंगे तो एग्रीगेट का भी टेस्ट करेंगे, सॉइल का टेस्टिंग करेंगे फिर एग्रीगेट का टेस्टिंग करेंगे। अब एग्रीगेट का जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट के टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारा टेस्ट ऑन एग्रीगेट है। तो कौन कौन सा टेस्ट ऑन एग्रीगेट है इसको हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सरफेस कोर्स। तो सरफेस कोर्स में बेसिकली जब हम ट्रांसिबल पेमेंट बनाते हैं तो सरफेस कोर्स में हम लोग बिटुमिन का यूज कर, बिटुमिन को हिंदी में बोलते हैं अलकतरा, जो कि तुम लोग का जो भी रोड देखे हो अभी तक अपने कॉलेज से चाईबासा तक का या फिर कहीं भी, वो सारा का सारा बिटुमिनस रोड है, अलकतरा से बनता है, उसको जलाया जाता है, रोड पे डालते हैं, फिर उसको
रोलर से कॉम्पैक्ट करते करते पूरा का पूरा वो चला जाता है। तो बेसिकली हम देखें तीन टाइप का टेस्ट, सॉइल के ऊपर टेस्ट, सिर्फ एग्रीगेट और बिटुमिन। सॉइल के ऊपर टेस्ट उसको बोलते हैं सीवीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट ऑन सॉइल। दूसरा सब बेस या फिर बेस कोर्स एग्रीगेट का है तो एग्रीगेट का टेस्ट, अब कौन कौन सा टेस्ट है ये अभी बताएंगे। फिर सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स के रूप में हम बिटुमिन को यूज करते हैं, तो ये मेरा बिटुमिनस जो भी हमारा टेस्ट होगा बिटुमिन के ऊपर उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट, की तरह ही मेरे पास एक रिजिड पेमेंट होता है। तो देखो सब रिजिड पेमेंट, हमारे पास है एक रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में भी हमारा उधर तो चार लेयर था, इधर हमारा तीन लेयर ही होता है। इधर हमारा तीन लेयर है, सबसे नीचे सॉइल सबग्रेड, सबसे नीचे है हमारा सॉइल सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड, उसके ऊपर है हमारा सब बेस, और उसके ऊपर है हमारा सरफेस कोर्स। इसमें एक चीज मिस है, बेस कोर्स सब देख रहे होंगे, मिस है सरफेस कोर्स। ये हमारा रिजिड पेमेंट का तीन लेयर होता है। तो ध्यान देना, फ्लेक्सिबल पेमेंट चार लेयर, रिजिड पेमेंट तीन लेयर, नीचे सॉइल सबग्रेड, ऊपर सब बेस, उसके ऊपर सरफेस कोर्स। सॉइल सबग्रेड मिट्टी मिट्टी, सब बेस एग्रीगेट एग्रीगेट, सरफेस कोर्स में यहाँ पे जो आई थिंक एक लड़का बोला कि सर हम लोग कंक्रीट का भी टेस्टिंग करते हैं क्या, बेसिकली कंक्रीट का टेस्टिंग आरसीसी का पार्ट है, क्योंकि कंक्रीट टेस्टिंग में तुम सीमेंट का टेस्टिंग किए होगे, यही सब तुम किए होगे। बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सीमेंट के ऊपर टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा हम लोग के पास अंडरस्टूड चीज है कि हम जो पीछे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ के आए होंगे, वहाँ पे हम मोटार के ऊपर टेस्टिंग, फिर अपने सीमेंट के ऊपर टेस्टिंग, ब्रिक के ऊपर टेस्टिंग, तो जो जो हमारे काम का चीज है उसको हम पहले ही से करके आए, इसलिए फिर उसका रिपीटेशन हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में नहीं होता है। इसीलिए बेसिकली रिजिड पेमेंट के जो सरफेस कोर्स में हम भले ही यूज करते हैं कंक्रीट, लेकिन खुद बताओ कंक्रीट के टेस्टिंग को तुम पीछे सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, इसीलिए उसको इधर हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। तो समझ गया हम लोग को क्या क्या करना है, मिट्टी के ऊपर टेस्ट, एग्रीगेट के ऊपर टेस्ट, बिटुमिन के ऊपर टेस्ट। भले ही कंक्रीट हमारे काम का चीज है रिजिड पेमेंट, लेकिन वो तो ऑलरेडी हम पीछे सीख के आ चुके हैं कि सीमेंट के ऊपर अपना फाइनेस मॉडलर्स, उसका साउंडनेस चेक करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, मोटार के ऊपर टेस्ट, ये आई थिंक तुम लोग करके आओगे। अभी तक किसी को कोई डाउट समझने में या फिर किसी पॉइंट पे है तो बताओ, नहीं तुम आगे चलते हैं। कोई डाउट? नो सर, नो सर, ठीक है सर। कोई ये जरूरी नहीं है, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है और हमारे रोड को ज्यादा ड्यूरेबल बनाना है तो हम वहाँ पे आरसीसी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, पीसीसी भी यूज करते हैं, आरसीसी भी यूज करते हैं, लेकिन खुद सोचो आरसीसी जब बनाएंगे तो हमको वहाँ पे रेनफोर्समेंट का भी यूज करना पड़ेगा, तो भले ही उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट भी तो ज्यादा लग जाएगा, तो हम आरसीसी का भी बनाते हैं, पीसीसी का भी बनाते हैं, ठीक है। कोई कंस्टेंट नहीं है कि ओनली पीसीसी का ही हमको बनाना है रिजिड पेमेंट, कोई कंस्टेंट ऐसा नहीं, ओके। बाद बाकी जब हमारा ये पेमेंट डिजाइन का टॉपिक आएगा तो उसमें तो मतलब जो भी इसका डिटेल एनालिसिस है वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, बस अभी हमको बैकग्राउंड बनाना था कि हमारा कौन कौन सा टेस्टिंग है। तो बस ओवरव्यू दे दिए तुम लोगों को कि हमको इस टेस्टिंग को इन्वॉल्व करने का क्या जरूरत पड़ा, क्यों, क्योंकि हमको बनाना है फ्लेक्सिबल पेमेंट। हमको क्या बनाना है, हमको रोड बनाना, रोड बनाना है, तो किस टाइप का रोड बनाना है, दो ही टाइप का हम रोड बनाते हैं इंडिया में जनरल, अब एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं तो इसी टाइप का हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, या तो फ्लेक्सिबल टाइप का बनेगा नहीं तो मेरा रिजिड टाइप का बनेगा। फ्लेक्सिबल में तुम लोग को आज से पता चल गया कि सर चार लेयर में बनेगा, रिजिड में तुम लोग को पता चल गया कि तीन लेयर में बनेगा, फ्लेक्सिबल में ये भी पता चल गया कि चार लेयर में कौन कौन सा लेयर है, रिजिड में ये भी पता चल गया कि रिजिड में हमारा कौन कौन सा लेयर है। अब इसका ब्रॉड जो एनालिसिस है वो हम करेंगे आगे, ये चार लेयर में हमारा कैसे लोड ट्रांसफर होगा, किस टाइप का लोड आएगा, लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा का सारा हमारा
पेमेंट डिजाइन का पार्ट है, वैसे ही हम लोग रिजिड पेमेंट में देखेंगे कि कैसे हम अपने एक कंक्रीट स्लैब को दूसरे स्लैब से ज्वाइंट करेंगे, किस टाइप का बार को यूज करेंगे, हमारा गर्मी के दिन में एक्सपेंशन ज्वाइंट रखना होता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट रखना होता है कि नहीं, डबल बार का डिजाइन कैसे करते हैं। आई थिंक ये सारा का सारा कंक्रीट का पार्ट है, लेकिन हमारे पेमेंट डिजाइन में आरसीसी जो भी हमारा रिजिड पेमेंट है उसमें थोड़ा सा आरसीसी का पार्ट आता है। तो ये सारा का सारा चीज आई थिंक जब तुम लोग आरसीसी पढ़े होगे या फिर पढ़ रहे होगे तो ये सारा का सारा चीज को तुम लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमको भी ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज है। बस इसका एप्लीकेशन पार्ट है, बाद बाकी एनालिसिस और डिजाइन तुम लोग आरसीसी में करोगे ये सारे के सारे चीज का। तो घबराने का बात नहीं है, जब हमारा जब टाइम आएगा ऑटोमेटिक सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। चले आगे। यस सर। यस सर। ओके गुड। ओके चलो ठीक है। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, यही तुम्हारा पूरा का पूरा लैब मैनुअल है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। फर्स्ट देखो, ये तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट फॉर बिटुमिन, बिटुमिन के ऊपर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है तुम्हारा, सब बिटुमिन के ऊपर है। फिल्ट्रेशन टेस्ट है, बिटुमिन के ऊपर है। डक्टिलिटी टेस्ट है तुम्हारा, बिटुमिन के ऊपर है। तुम्हारा जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है बिटुमिन का, आई थिंक सॉइल का भी तुम लोग किया हो, किया हो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सॉइल? किए हो क्या तुम लोग? किए हो क्या? ओके, इसमें इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल रहता है, इस बोतल का अपना डायमेंशन रहता है। सबसे पहले इस खाली बोतल को बेट किए होगे, फिर उसमें सॉइल को मिक्स किए होगे, फिर उसमें सॉइल के बाद दूसरा उसको डब्ल्यू टू माने होगे, फिर डब्ल्यू थ्री में उसमें पानी मिला के बेट किए होंगे, फिर एक बार बोतल को पूरा का पूरा खाली करके वनली पानी को बेट को लेके फिर उसके जी का वैल्यू निकालोगे। सेम का सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब में कॉलेज जब खुल जाएगा तो एक बार उज्ज्वल जी को बोलेंगे तुम लोग को सारा का सारा जो भी लैब का इक्विपमेंट है उसको दिखा दे, और जब तुम लोग आओगे कभी फिजिकली तो करके भी देख लेना। तो क्या है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल रहता है, उस बोतल में हम लोग बिटुमिन को सबसे पहले खाली बोतल वैसे ही बिटुमिन को भरेंगे, फिर हाँ वो भी हमारा लिक्विड है, विस्कोसिटी ज्यादा है। अब ये सब क्या बोल रहे हैं, विस्कोसिटी ज्यादा है बिटुमिन का, आई थिंक अंडरस्टूड होना चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा चीज तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ के आए हो। उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका अलग अलग इम्पैक्ट होगा। अब क्या होगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करके बता देंगे। तो हम लोग जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल है खाली बोतल वेट करेंगे, फिर उसका हम लोग विटामिन भर के वेट करेंगे, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे वो आगे जब जो हमारा आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको देखते चलना। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो विटामिन होता है जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो देखो यहाँ पे हमारा ये एग्रीगेट है, ये पूरा का पूरा एग्रीगेट है। अब एग्रीगेट का क्या होता है कि एग्रीगेट के ऊपर हमारा बिटुमिन अच्छे से इसके सरफेस के ऊपर चिपका हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वाटर इसके ऊपर आता है, पानी इसके ऊपर आता है, ये बिटुमिन वाटर लवर होता है। इसको जैसे ही पानी मिलेगा ये कोशिश करेगा कि हम एग्रीगेट को छोड़ के वाटर के साथ आ जाए, तो फिर एग्रीगेट को छोड़ के ये वाटर के साथ हमारा बिटुमिन आने लगता है। अब सोचो पहले एग्रीगेट का बिटुमिन के साथ बॉन्डिंग था, लेकिन अब एग्रीगेट को छोड़ के उसका वाटर के साथ बॉन्डिंग आ गया, फिर हमारे रोड का लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया। तो इसीलिए बरसात के दिन में देखते होंगे कि एक छोटा गड्ढा पहले बनता है, डेट मीन्स बिटुमिन एग्रीगेट को छोड़ा, बिटुमिन एग्रीगेट को छोड़ा, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन कम हो गया दोनों पार्टिकल के बीच का, थोड़ा सा क्रैक डेवलप हुआ थोड़ा सा। बस इसको विजुअलाइज करते जाओ, जो जो हम बोलते जा रहे हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आएगा। क्या हुआ हमारा अच्छे से रोड बना। अब अपने ही बात करो, अपने ही कॉलेज के सामने वाले रोड का जो 10-12 किलोमीटर का रोड पहले बहुत अच्छा था 2018 के आसपास में, अभी रोड खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? हमारा जो भी बिटुमिन था वो एग्रीगेट से अच्छे से बॉन्ड था। अब क्या हुआ, वाटर आया, रेनी सीजन हुआ, वाटर आया, वाटर लवर होता है बिटुमिन। बिटुमिन के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो जैसे ही पानी को देखता है
एग्रीगेट को छोड़ के वाटर के साथ आया, वाटर के साथ आया डैट मीन्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था हमारे एग्रीगेट और हमारे बिटुमिन का वो कम हुआ, कम हुआ। जैसे ही ट्रक का लोड, व्हीकल का लोड, फोर व्हीलर का लोड, किसी टाइप का लोड आएगा, उस क्रैक को और ज़्यादा बड़ा करेगा, और ज़्यादा बड़ा करेगा, छोटा गड्ढा बनेगा, फिर होते 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 फिर सारा का सारा एग्रीगेट जो होता है उसको बिटुमिन छोड़ने लगता है, छोड़ने लगता है, पूरा का पूरा हमारा रोड ही डैमेज हो जाता है। तो वही हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में देखते हैं कि हमारे बिटुमिन का क्या कहाँ तक जो है अपना, किस टाइप का वाटर या फिर किस टेम्परेचर पे क्या क्या होता है कि हमारे वाटर के साथ हमारा बिटुमिन एब्जॉर्ब करता है। तो ये हम सब कुछ देखेंगे, तो उसी के प्रोस्पेक्टिव पे ध्यान में रख के हम लोग अपने एग्रीगेट और बिटुमिन को मिक्स कर देंगे ताकि उसको पानी भी मिले तब पर भी वो एग्रीगेट को ना छोड़े। थर्ड है तुम्हारा पेंट्रेशन टेस्ट। पेंट्रेशन नाम में ही स्पष्ट है कि हमारा एक बोतल रहता है इस टाइप का मोल्ड, इसमें हम लोग बिटुमिन को डालते हैं, फिर हमारे पास एक पेंट्रेशन मीटर होता है, उसको यहाँ से हम लोग लेके ऐसे हमारा नीडल रहता है, इसको हम लोग इसमें इंसर्ट करते जाते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये बिटुमिन का क्वालिटी कैसा है, हमारा बिटुमिन किस टाइप का बिटुमिन है। तो ये हम लोग पेंट्रेशन टेस्ट में यूज करते हैं। डक्टिलिटी टेस्ट में हमारे पास कॉलेज में ये सारा का सारा मशीन है, पेंट्रेशन टेस्ट का, डक्टिलिटी टेस्ट का, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं इसको, सैंपलर रहता है। अब इस सैंपलर में क्या है कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे हमारे पास एक सैंपलर है, इसको डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन बोल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बिटुमिन को यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए एक क्या बोलते हैं, एक नॉब बना हुआ रहता है। अब यहीं पे हम लोग अपने बिटुमिन को रखते हैं, फिर रखने के बाद यहाँ पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन होता है, करंट यहाँ से देते हैं, करंट देते हैं, यहाँ से हमारा ये मशीन जो है वो बिटुमिन को थोड़ा सा खींचना स्टार्ट करता है, फिर खींचते 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 हमारा बिटुमिन यहाँ से देखो पूरा का पूरा ऐसे होते चला गया, फिर एक पॉइंट पे आके हमारा बिटुमिन टूट के इधर आ जाता है और इधर का पार्ट इधर आ जाता है। तो हम लोग उस यहाँ पे जो भी हमारा रीडिंग आता है उस रीडिंग को नोट करके देख लेते हैं कि हमारा बिटुमिन जो है वो कितने रीडिंग पे जाके टूटा। अब इसको कैलिब्रेट कर रखे हैं अपने डक्टिलिटी के साथ, अब उस रीडिंग को डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन के साथ कैलिब्रेशन करके जो इन्वायरमेंटल में हम लोग करते थे, कैलिब्रेट करके रखे थे एक यूनिट के दूसरे यूनिट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को डक्टिलिटी आके मिल जाता है, किसका, बिटुमिन का डक्टिलिटी मिल जाता है। फिर सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन ये सब कुछ करते हैं, फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ बिटुमिन, इसको सिटी टेस्ट भी करते हैं, फिर बिटुमिनस मिक्स डिजाइन बाय मार्शल मेथड, ये तुम्हारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, पॉसिबल हो पाएगा तो देखेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, आ गया तुम्हारा सीबीआर टेस्टिंग जो अभी हम सॉइल का बात कर रहे थे, एग्रीगेट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, एग्रीगेट का हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करते हैं, एब्रेशन टेस्ट करते हैं, फिर इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, फिर सेप टेस्ट करते हैं कि जो भी हमारा एग्रीगेट है उसका सेप कैसा है। इस पर भी हमारा डिपेंड करता है कि अगर सेप तुम्हारा राउंडेड है तो तुम्हारा बिटुमिन उसके साथ कैसे मिक्स करेगा, अगर तुम्हारे एग्रीगेट का साइज फ्लैकी है तो उसमें तुम्हारा बिटुमिन कैसे अट्रैक्ट होगा, अगर तुम्हारा एग्रीगेट इलोंगेटेड है तो उसमें तुम्हारा बिटुमिन कैसे इंट्रैक्ट करेगा या फिर अट्रैक्ट होगा। तो ये सारा का सारा हम लोग सेप टेस्ट भी अपने एग्रीगेट का करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट भी एग्रीगेट का करते हैं, हमारे पास एक मशीन होता है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, उसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सैंपलर रहता है, ये हम लोग सैंपल को यहाँ पे रखते हैं, सैंपल को रखने के बाद इसमें अपने बिटुमिन को एक लेयर में भरे, फिर यहाँ पे हमारे पास एक टेम्परिंग रॉड होता है, यहाँ से टेम्परिंग रॉड से इसको हम लोग यहाँ से 25 बार ब्लो देते हैं, एक रॉड होता है इस टाइप का टेम्परिंग रॉड, इससे एग्रीगेट को हम लोग भर देते हैं एक लेयर, फिर इसको 25 नंबर ऑफ टाइम इस रॉड से यहाँ पे हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर सेकेंड लेयर भरते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम लोग 25 बार कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे थर्ड भरते हैं, फिर इसको हम लोग 25 बार कॉम्पैक्ट करते हैं, और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हैमर रहता है, हमारे पास यहाँ से एक उठाने के लिए हैंडल भी है। अब ये दोनों हैंडल इधर निकला हुआ है, एक हाथ से हम इधर से पकड़ते हैं, एक हाथ से इधर से पकड़ते हैं, और फिर इसको हमारे पास ऊपर ले जाने का अरेंजमेंट रहता है, इस हैमर को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इस सब का अपना अपना स्पेसिफिकेशन है, जब टेस्ट आएगा तो बताएंगे, अभी बस देखते जाओ। यहाँ तक हाइट तक ले गए, फिर इसको फ्री फॉल कराए, फ्री फॉल कराते हैं, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास हैमर है वो इस मोल्ड पे आके गिरता है,
ऐसे करके हम 25 बार ऊपर से नीचे हम लोग इसको इंपैक्ट करते हैं। फिर सबसे पहले जो भी वेट लिए थे हम अपने इस एग्रीगेट का वो देख लेते हैं, फिर जब हमारा एग्रीगेट कुछ ना कुछ क्रश हुआ होगा ऊपर वाले लोड के कारण, फिर उसको हम अपना निकालते हैं, उसको सीव से सीविंग कर लेते हैं, फिर जो हमारा बच जाता है मतलब सीव से सीव करने के बाद जो क्रश होके हमारे पास आ गया होगा या फिर इम्पैक्ट होके आ गया होगा, क्रशिंग टेस्ट में भी हमारे पास सेम है। क्रशिंग टेस्ट में हम लोग हैमर से नहीं करते हैं, हम लोग के पास एक रॉड होता है उसी से हम लोग अपने क्रशिंग टेस्ट से हम लोग यूटीएम हमारे पास मशीन होता है उसमें हम लोग अपने बोल्ट को ले जाके रखते हैं। तो ऐसे करके हम लोग अपना इम्पैक्ट टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, उसके बाद एब्रेशन टेस्ट, यहाँ पे देखो एक है एब्रेशन टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट भी हमारे पास है, कॉलेज में है एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। जब कंक्रीट लैब में जाओगे तो गए होगे तो देखे होगे लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मशीन ऐसे रखा हुआ, उसमें 3 सिलेंडर मोल्ड ऐसे 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 मिला होगा, तो वो तुम्हारा एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है। एब्रेशन टेस्टिंग मशीन जनरली तुम्हारे रोड के हार्डनेस को चेक करता है, मतलब तुम्हारा एग्रीगेट के हार्डनेस को चेक किया, एग्रीगेट रोड में यूज किया हुआ तो उसके हार्डनेस को हम लोग चेक करने के लिए एब्रेशन टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। इंडिया में डबल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन को हम लोग यूज करते हैं। तो मशीन का भी नाम हम लोग देखेंगे, कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो आगे चले क्या, अभी तक में किसी को कोई डाउट है कौन सा टेस्ट कहाँ पे करते हैं, किसके लिए करते हैं, वो पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चले आगे, चलो ठीक है। ये सारा का सारा देखो हम एक सीक्वेंस से आएंगे। अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एग्रीगेट का टेस्टिंग, एग्रीगेट का टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद एग्रीगेट का टेस्टिंग के बाद हम लोग आ जाएंगे इसका टेस्टिंग देख लेंगे, बिटुमिन का टेस्टिंग देख लेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग सीवीआर टेस्टिंग देख लेंगे। कुछ है नहीं, ऐसे सीवीआर से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा मन है कि एग्रीगेट से स्टार्ट करें, इसलिए सबसे पहले एग्रीगेट से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है चले। चलो ठीक है, चलो ठीक है। इसको तुम लोग देखो और कोई एक तुम लोग इसको क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ, हाँ ठीक है देखो, दिख रहा है सबको? Yes, sir. देखो ये तुम्हारा क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन एग्रीगेट को डिटरमाइन करने का टेस्ट है, मतलब हमारा ये एग्रीगेट का टेस्टिंग है। कौन सा टेस्टिंग है? क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग है। तो हमसे और बता दिए हैं तुम लोग, क्वेश्चन देखना गेट का या फिर यूएससी का, उसमें गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट से हम लोग क्या चेक करते हैं। तो ध्यान देना, क्रशिंग स्ट्रेंथ नाम में स्ट्रेंथ है, तो हम लोग एग्रीगेट का स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जैसे कि इम्पैक्ट टेस्टिंग था, पीछे था इम्पैक्ट टेस्टिंग, याद है सबको अभी? यस सर। ओके तो इन ओके तो तुमसे कॉलम इधर दे देगा, मैच द फॉलोइंग, तुमको इधर दे देगा कॉलम वन, इधर देखो सर, इधर तुमको दे देगा, और क्वेश्चन है ही 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन, कॉलम वन दिया इधर और कॉलम टू दिया इधर, तुमको इधर दे दिया, तुम्हारा क्या दिया इधर, तुमको दे दिया क्रशिंग स्ट्रेंथ, देखो सब सी एस
क्रशिंग स्ट्रेंथ, तुम्हारा यहाँ पे दे दिया इम्पैक्ट टेस्ट आईटी इम्पैक्ट टेस्ट, फिर तुमको यहाँ पे दे दिया एटी एब्रेशन टेस्ट, ऐसे करके तुम्हारा दो तीन चार टेस्ट दे दिया। अब यहाँ पे कॉलम टू में तुमको दे दिया, ये तुमको दिया ए, ये तुमको दिया बी, ये तुमको दिया सी, या फिर छोड़ो ऐसे में इसको देखो, यहाँ पे दिया क्रशिंग स्ट्रेंथ, यहाँ पे दिया इम्पैक्ट टेस्ट, यहाँ पे दिया एब्रेशन टेस्ट, यहाँ पे तुमको फर्स्ट में दे दिया हार्डनेस, यहाँ पे तुमको दे दिया नीचे, यहाँ पे तुमको दे दिया स्ट्रेंथ, यहाँ पे तुमको दे दिया टफनेस, उसके बाद यहाँ पे तुमको दे दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर ऐसे ऐसे करके दे दिया, इधर दे दिया ए, इधर दे दिया बी, इधर दे दिया सी। अब नीचे पूछ दिया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो वहां पे दिया फर्स्ट स्टेटमेंट दिया ए का, सेकेंड बी का, थर्ड, फिर सी का फर्स्ट, ऐसे ऐसे करके तुमसे पूछा, फिर सेकेंड का कुछ इंटरचेंज करके पूछ दिया। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे गेट के एग्जाम में पूछता ही पूछता है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो पेमेंट मटेरियल है उसे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आई थिंक याद करो, कभी देखे हो क्या ऐसा क्वेश्चन कहीं पे, कोई देखे हो? यस सर, एसएससी जेईई में था। अच्छा, एसएससी जेईई में था तो हाँ, तो क्वेश्चन इसे पूछेगा। तो ध्यान देना, जब भी क्रशिंग स्ट्रेंथ का बात आएगा हम हमेशा अपने हार्डनेस को चूज करेंगे, हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ हार्डनेस को बताएगा। सॉरी, एक मिनट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हमारे हार्डनेस, क्रशिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को बताएगा, एब्रेशन टेस्टिंग हमारे हार्डनेस को बताएगा, इम्पैक्ट टेस्टिंग हमारे टफनेस को बताएगा। तो ध्यान देना, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हमारे नाम है एग्रीगेट का, लेकिन ये हमारे एग्रीगेट के स्ट्रेंथ को चेक करता है। इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट नाम है एग्रीगेट के टेस्टिंग का, लेकिन इम्पैक्ट टेस्टिंग हमारे एग्रीगेट के टफनेस के बारे में बताएगा। एब्रेशन टेस्टिंग नाम है एब्रेशन टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट का, लेकिन वो हमारे एग्रीगेट के हार्डनेस को बताएगा। तो इन सारे चीज का ध्यान रखना। अब क्या है हमारा बेसिकली जो एम है अभी, वो हमको क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालना है अपने एग्रीगेट का। तो अगर सेशन एक्सपायर हो जाए फिर से रिज्वाइन कर लेना। तो हमारा जो है वो आईएस कोड 2386, आई थिंक 2386 पार्ट 4 ही है तुम्हारा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट का। इसमें जो भी हम एपरेटस यूज करते हैं, वो एपरेटस सबसे फर्स्ट जो एपरेटस है हमारा सिलिंड्रिकल स्टील सिलेंडर है, जिसका इंटरनल डायमीटर 15.2 मतलब 15.2 सेंटीमीटर का है हमारा ये तुम्हारा जो स्टील सिलेंडर है। सो स्टील सिलेंडर विथ ओपन एंड, इसका जो भी एंड है वो तुम्हारा ओपन है, मतलब जो तुम्हारा ये सिलेंड्रिकल मोल्ड है वो तुम्हारे स्टील का है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा दोनों तरफ से ओपन होता है। अब दोनों तरफ से ओपन होगा तो कुछ बोलेगा कि सर एग्रीगेट को डालेंगे इधर से तो फिर तो इधर से निकल जाएगा, तो ऐसे नहीं है। हम अपना यहाँ पे एक मेटल बेस यहाँ पे लगाते हैं, नीचे कहीं ना कहीं होगा कि हम अपना जो बेस प्लेट या फिर जो भी हमारा प्लेट होता है उसको हम लोग नीचे लगाते हैं, ठीक है। उस प्लेट का भी अपना एक डायमीटर होता है, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ पे अपने जो स्टील प्लेट है देखते चलो क्या क्या करते हैं। सबसे पहला होता है स्टील सिलेंडर, जिसका इंटरनल डायमीटर 15.2 सेंटीमीटर का होता है, उसको वो हमारा सबसे फर्स्ट एपरेटस का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है स्क्वायर बेस प्लेट, हमारे पास एक स्क्वायर बेस प्लेट रहता है, वही बेस प्लेट को हम अपना नीचे ऐसे करके लगाते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा हमारा मोल्ड ये लगा हुआ रखा हुआ है। स्क्वायर बेस प्लेट प्लंजर हैविंग अ पिस्टन डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर, हमारे पास एक स्क्वायर ब्लेड बेस प्लेट रहता है, एक प्लंजर रहता है जिसका डायमीटर जो है, जिसके पिस्टन का डायमीटर 15 सेंटीमीटर का है, सिलेंड्रिकल मेजर ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ 11.5 एंड हाइट 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टील टेम्परिंग रॉड हैविंग डायमीटर ऑफ 1.6 सेंटीमीटर, लेंथ 45 टू 16 सेंटीमीटर, तो लेंथ इसका वेरी करता है, कुछ भी हो सकता है 45 टू 60 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है तुम्हारा बैलेंस ऑफ कैपेसिटी 3 kg विथ एक्यूरेसी अप टू 1 ग्राम, हमारे पास बैंक बैलेंस रहता है जिसका कैपेसिटी कम से कम 3 kg का तो हो ही हो, बाद बाकी उसका एक्यूरेसी 1 ग्राम तक होना चाहिए, मतलब ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सिक्स है तुम्हारा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग लोड ऑफ 40 टन एट अ लोडिंग रेट।